नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर के बारे में। तो टाटा मोटर में लेटेस्ट अपडेट हुई है कल नाइट में, और जो है मॉर्निंग में ये न्यूज़ आई हुई है, इवन कल शाम की न्यूज़ है, तो आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके वीडियो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों, क्या लेटेस्ट में न्यूज़ आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? टाटा मोटर्स सिक्योर्स दिल्ली हाई कोर्ट स्टे ऑन डिलिस्टिंग ऑफ नेक्सन ईवी। थोड़ा सा इस न्यूज के पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपको मालूम होगा कि टाटा मोटर ने इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत सारी बातें चल रही थी, जिसमें टाटा मोटर ने अपने दो मॉडल निकाले थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, जिसमें एक है नेक्सन ईवी, लिखा हुआ है ना, नेक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दिल्ली में क्या हुआ था कि इस पे केजरीवाल गवर्नमेंट है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो जो है सब्सिडी दे रही थी, बिकॉज ये क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे और भी स्टेट जो है सब्सिडी शुरू करते, क्योंकि दिल्ली को बहुत ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, इस वजह से सपोर्ट करने के लिए कि पेट्रोल इंजन पे जो है निर्भरता कम हो, और आगे आने वाला समय जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही हमारा जो फोकस हो। तो सपोर्ट किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, कुछ सब्सिडी दे रहे थे। लेकिन पिछले एक हफ्ते पहले जो है एक कस्टमर ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये कंप्लेन किया था पुलिस में जाके, कि जो है व्हाट एवर द टाटा गवर्नमेंट सॉरी टाटा मोटर्स ने जो प्रॉमिस किया था नेक्सन पे, इसका जो नेक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल का मॉडल है, कि इतना माइलेज देगी और ये फैसिलिटीज है, वो नहीं है, वो टोटली गलत है। तो उसके चक्कर में आप बात समझ रहे हैं कि एक कस्टमर ने जाके कंप्लेन की थी पुलिस में, और फाइनली दिल्ली गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा था कि टाटा मोटर जिसको आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्सन को आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो जितना प्रॉमिस की हुई है वो गलत है, आपने जो बोली है वो गलत है। तो उसके चक्कर में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि हम जो सब्सिडी है वो खत्म कर देंगे, हम सब्सिडी नहीं देंगे। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि सब्सिडी नहीं देगी तो जितना भी सेल्स वगैरह में क्या होगा, कस्टमर को ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, कस्टमर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कॉस्टिंग पड़ जाएगी तो जो है सेल्स कम हो जाएगा। इसको दिल्ली टाटा मोटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो दिल्ली गवर्नमेंट का सब्सिडी का जो फैसला था नेक्सन से वापस लेने का, इसको टाटा मोटर ने दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अब वो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। अब ये समझ में आया क्या पर्दे के पीछे की कहानी है? टाटा मोटर्स ने सिक्योर दिल्ली हाई कोर्ट स्टे, इसका मतलब क्या है कि जो सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट दे रही थी वो चालू रहेगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स जो है जो कम होने के खतरा था नेक्सन पे, वो बना रहेगा, सेल्स इंप्रूवमेंट बना रहेगा, और कहीं ना कहीं इसके रेवेन्यू का असर पड़ेगा, कहीं सेंटिमेंटल फायदा इसके शेयर प्राइस को भी देखने को मिलेगा कल के सेशन में। बात समझ रहे हैं पर्दे के पीछे की कहानी? क्योंकि कल के सेशन में इस फैसले का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है केजरीवाल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, ठीक है, उसके चक्कर में आपको शेयर प्राइस में असर देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं क्या है इसमें। सी दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड अंतरिम रिलीफ टू टाटा मोटर्स बाय डायरेक्टिंग ए स्टे, अंतरिम रिलीफ दिया है अगेंस्ट द डीलिस्टिंग ऑफ नेक्सन ईवी बाय ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डीटीसी, मतलब कि वो जो सब्सिडी वो मिलती रहेगी। द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट हैज इशूड नोटिस टू आवर रिट एंड ग्रांटेड अंतरिम रिलीफ बाई डायरेक्टिंग ए स्टे अगेंस्ट द डीलिस्टिंग ऑफ नेक्सन ईवी फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट एलिजिबल लिस्ट ऑफ व्हीकल्स। द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड रिलीफ। और ये कौन बोल रहा है? टाटा मोटर का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है, ठीक है, कौन बोल रहा है? टाटा मोटर्स का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है, मतलब ये ऑफिशियल न्यूज है। अब ये जो है एक बाउंस बैक आना तय है कल के सेशन में, आप तैयार रहिएगा। ये बहुत ही ज्यादा, ये कोई ऐसे तो डायरेक्ट न्यूज नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल रूप से बहुत बड़ी न्यूज है कि नेक्सन जिनका टॉप मॉडल था सेलिंग का, सेल्स का, वो का सेंटिमेंट फायदा होगा, वो सेल्स बरकरार रहेगा। आने वाले क्वार्टर में इस पर इफेक्ट देखने को पड़ेगा, जब नंबर जो है आपको चौंकाएंगे तब पता चलेगा। जो कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं सेल करना है, एक ने तो हमें कमेंट किया कि जो है आप 280 आएगा, इतने पे आएगा, मैं लिख के देता हूँ, मार्क माई वर्ड्स, ऐसे ऐसे कमेंट जो है वीडियो के नीचे रहते हैं कि और नीचे आएगा, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हैं। तो
नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज का सिलसिला बना हुआ था इसमें, लेकिन पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा शेयर नीचे गिर रहा था, और उसके चक्कर में कोई न्यूज थी, न्यूज यही थी कि जो सब्सिडी खत्म कर दी थी, अब ये जो है सब्सिडी का जो ये दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके दिया है, इसका जो है फायदा कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा दोस्तों चार्ट पे चल लेते हैं, तो आपको एक चीज बताना था, ये देख रहे हैं पूरा का पूरा, चाहे वो मनी कंट्रोल हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, सबका पूरा का पूरा यही न्यूज भरा हुआ है, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब एनएससी साइट पे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ था। 321.75 रुपये क्लोजिंग हुई थी, लगभग 2% अप था, 315 इसके पहले वाली क्लोजिंग थी, परसों की ओपन हुआ कल 319 के, फिर ऊपर गया सुबह ही हाई बनाया 324 का, मूवमेंट लग रहा था कि 330 तक जाएगा, क्रॉस करेगा, लेकिन थोड़ा सा उसी के आसपास कंसोलिडेट किया। बाइंग ऑर्डर 5,090 क्वांटिटी की लगी हुई है, ठीक है, टोटल डिलीवरी हुई है 5 करोड़ की, 5 करोड़ टोटल क्वांटिटी और 84 लाख की डिलीवरी हुई है, परसेंटेज डिलीवरी 14, ठीक है। अब कल के सेशन में थोड़ा सा भी अगर 300 ध्यान रखिएगा, 330 के आसपास जाए और 330 के ऊपर टिके, तो फिर इसकी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी 340 350 की, फिर मैं आगे अपडेट करके आपको बताऊंगा आगे के टारगेट, ठीक है। थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं, अभी देखिए 5 दिन का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ये डिसीजन आया था, यहाँ पे करके वो सब्सिडी खत्म की गई थी यहाँ पे, तब से शेयर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद जो है लगभग 309-10 के आसपास आया। अब जो है कल के सेशन में थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट को पहले ही पता चल गया था, तो कल के सेशन थोड़ा बाउंस बैक हुआ, यहाँ पे न्यूज आया कल की शाम के टाइम पे, अब जो है आज मार्केट क्लोज है, तो कल के सेशन पे इसका ऐसे होना चाहिए, समझ रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब याद रखिएगा लेवल 330 का लेवल, अगर मेंटेन किया तो ऊपर 331-32 पे थोड़ी देर टिका रहा, तो फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होगी 340 देन 350। इसमें पॉजिटिव न्यूज का सिलसिला बना हुआ है, और छोटी मोटी पॉजिटिव नहीं, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज हैं, चाहे वो गोकरेज के टारगेट हों, चाहे झुंझुनवाला का बाई हो, चाहे सेल्स के नंबर हों, चाहे कोई भी चीज़ें हो, चाहे इसका जो जगुआर और रेंज रोवर का वो मर्जर वो एक्विजिशन वगैरह चल रहा है, वो सब चीज़ें हों, चाहे उनका रिस्ट्रक्चरिंग हो, पूरा खबरों का सिलसिला बना हुआ है, तो आप जो है बना के रखिएगा 330, 330 के ऊपर सीधा 340, फिर आगे की जर्नी 350 स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और हाँ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पर नए हो तो, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, इस तरह के न्यूज़ में सबसे पहले आपको लाऊंगा विद एनालिसिस, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बेल आइकन पर हिट करके उसको नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।